राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आइए, हमारे अन्नपूर्णा किचन टिप्स में आप लोगों का स्वागत है। आज देखिए, एकदम भिंडी का सब्जी चटपटा लेकर आई हूँ, एकदम रसेदार जूस वाली सब्जी चटपटा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। भिंडी का सब्जी भुजिया खाए होंगे, सूखा सब्जी खाए होंगे, पर ऐसे जूस वाली सब्जी नहीं बनाई होगी। इस तरह से दोस्तों बनाइएगा और कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा कि ये सब्जी कैसा लगा आप लोगों को। ये देखिए, हरी हरी भिंडी है। इस तरह की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। इस समय ऐसा ही सब्जी मिल रही है, तो उसको ही जूस वाली सब्जी बनाई, एकदम बहुत टेस्टी पनीर की तरह लगती है। ये देखिए, इसको इस तरह से धुल के रखे थे भिंडी। अब इसको इतना बड़ा बड़ा कट करेंगे, बहुत छोटा नहीं कट करना है। इसमें एकदम जूस भरता है, तो एकदम रसगुल्ले की तरह इसमें जूस भर जाता है। बहुत यम्मी लगता है, चावल से, रोटी से, किसी भी चीज़ से आप खा सकते हैं। देखिए, इसको धुल के अच्छे से काटेंगे, इतना बड़ा बड़ा, मीडियम साइज में है, ना तो बहुत बड़ा है ना छोटा है। ये मेरा भिंडी कट के तैयार हो गया है। उसके साथ प्याज दो तीन ठो काटे हैं, ये प्याज भी कट करके रख चुके हैं। ये देखिए, मिक्सर के जार में मसाला तैयार कर रहे हैं। ये साबुत धनिया है, लहसुन है, हरी मिर्च है, अब साबुत जीरा डालेंगे हम। थोड़ा सा कटी हुई प्याज भी इसमें पीसेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालना है, थोड़ा सा। ये कढ़ाई गैस चला के रख दिए हैं, गरम हो गई है। इसमें तेल डालेंगे, सरसों का तेल डालेंगे, इसमें सब्जी अच्छी लगती है। तेल गरम हो गया है, अब प्याज को पहले फ्राई करेंगे 2 मिनट तक। ये देखिए, ब्राउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं प्याज को भुनना है, बस ब्राउन होने तक। ये देखिए, अब इसमें भिंडी फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें तेल मत डालिएगा दोस्तों, न तो बहुत कम ही डालना है। ज़्यादा तेल डालने से फटने लगता है भिंडी। ये देखिए, ये मसाला जो दिखाई थी उस सबको पीस चुके हैं। अभी थोड़ा और भूनेंगे भिंडी को। ये देखिए, भून चुका है। अब ये प्याज वाला, धनिया, लहसुन वाला, मिर्चा वाला पेस्ट जो था उसको डाल दिए हैं। अब इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक 2 चम्मच डाल दिए, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा सब्जी मसाला पाउडर है उसको 1 चम्मच डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे, सारे चीज़ों को डालकर अब मिक्स करेंगे धीमे आंच पे। धीमे आंच पे भूजेंगे आराम से, नहीं तो सट जाएगा एक में ही, भिंडी फूटने लगता है। इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं फटेगा भिंडी। दो से तीन मिनट तक मसाला भूनेंगे,
मसाला भुन चुका है, 2 मिनट हो गया है। अब इसमें पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, पकने भर पानी डालना है। ये देखिए मेरी भिंडी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब इस बाउल में निकाल दिए हैं। अब आप चावल से, रोटी से, पूड़ी पराठा से, किसी भी चीज़ से खा सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों कमेंट में बताइएगा और एक बार ज़रूर आप खाइएगा भिंडी की रसेदार सब्जी बना के, और कमेंट में बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।